और अब एक बड़ी खबर आ रही है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से, जहां पर चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। तो आग लगने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। यह एक्सप्रेसवे पर घटना घटी है जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। ये बड़ी खबर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है जहां चलती हुई ट्रक में भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से दमकल कर्मी यहां पर पहुंचे और इस जलते हुए ट्रक पर काबू पाने की कोशिश की। आग लगने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम जब पहुंची उस वक्त की तस्वीरें, और काफी मशक्कत इन्हें करनी पड़ी, आखिरकार इस आग पर काबू पा लिया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की यह घटना है जहां पर एक ट्रक में आग लगी। आग की लपटें दूर से ही उठती हुई नजर आ रही थी। टेंटर है और ये गुवाहाटी से जयपुर चला था, इसमें एक्सप्रेस वे पर अचानक आग लग गई, इसमें दवाइयां भरी हुई थी। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और प्रथम दृष्टा ये पता लग रहा कि शॉर्ट सर्किट हुआ, अभी आग पर कंट्रोल कर लिया गया, ट्रैफिक रेगुलेट कर दिया गया है और इसमें एक ही व्यक्ति था जो ड्राइविंग कर रहा था, कुशल। इंदौर में फिल्म पठान के रिलीज के बाद विवादित बयान को लेकर के पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और भड़काऊ बयान का वीडियो वायरल होने पर कई गिरफ्तारियां भी हुई। खबरों के मुताबिक इंदौर में सर तन से जुदा के नारे लगाए गए थे, जिसके बाद प्रशासन एक्टिव मोड में है। फिल्म पठान का विरोध मध्य प्रदेश में भी लगातार किया जा रहा है और इंदौर से ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां विवादित बयान को लेकर पुलिस ने केस भी दर्ज किया। शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इंदौर में फिल्म पठान के रिलीज के बाद विवादित बयान को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। खबरों के मुताबिक इंदौर में सर तन से जुदा के नारे लगे थे। हिंदू महासभा ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। पठान मूवी रिलीज होने के बाद से ही इंदौर में दो पक्षों की तरफ से विवादित बयान आए थे। इस बीच इंदौर से एक और डरा देने वाली वीडियो सामने आई है। वीडियो में एक युवक इंदौर को जलाने के लिए भीड़ को भड़काऊ भाषण देता हुआ नजर आ रहा है। विवादित नारेबाजी के बीच पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले का जिक्र कर रहे हैं, उस मामले में ही प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। एक अन्य वीडियो भी आया था जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ऐसे न सिर्फ मैसेज पे बल्कि उन सोशल प्लेटफॉर्म्स और विभिन्न तरह के जो सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं उन पर भी नजर रखे हुए हैं। इंदौर में पुलिस ने 7 हिंदूवादी नेताओं को भी गिरफ्तार किया है। इंदौर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं पुष्पेंद्र का, इस वक्त क्या माहौल इंदौर में, क्या विरोध आज भी जारी है, क्योंकि पठान जब रिलीज होनी थी हुई भी, जिन्हें देखना था वो देख भी आए हैं और विरोध करने वाले सड़कों पर इस तरीके से उत्पात भी मचा रहे हैं। प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि सब कुछ कंट्रोल में रहे, कानून व्यवस्था। देखिए बिल्कुल, काफी ये पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है कि अब किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए, क्योंकि दोनों ही पक्षों की तरफ से जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो लगातार इस तरह के वीडियोज रिलीज कर रही हैं, इस तरह के लगातार भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, लगातार चौराहों पे भीड़ को इकट्ठा करके उन्हें उन्माद करने के लिए वो लोग इंस्पायर कर रहे हैं। और इसी को लेकर जब सोशल मीडिया पर जो वीडियोज वायरल हो रहे हैं तो तभी पुलिस इस पर लगातार अपनी निगरानी रख रही है। पुलिस की मीडिया सेल जो है वो भी अपनी निगरानी रख रही है और साथ ही ऐसे लोग जो कि इस तरह के भड़काऊ भाषण या फिर इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं उसके आधार पर उनको फिर गिरफ्तार भी कर रही है। लगातार दोनों ही पक्षों के लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस तरह की जो सोशल मीडिया पर तमाम तरह की भड़काऊ भाषण हो, चाहे भड़काऊ वीडियो हो, चाहे भड़काऊ किस तरह के टेक्स्ट हो, इस तरह की जब कोई भी बात आ रही है सामने तो पुलिस उसको संज्ञान में ले रही है और उसी आधार पर पुलिस गिरफ्तार कर रही है। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है और तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं इंदौर के उन इलाकों में पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जानकारी दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और आज दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन होगा। हर साल की तरह इस बार भी पारंपरिक रूप से सेनाओं की बैरक वापसी के लिए बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन किया जा रहा है। इस बार का ये कार्यक्रम बेहद खास होने जा रहा है। बीटिंग द रिट्रीट में शानदार ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। इसमें 3,500 से ज्यादा ड्रोन हिस्सा लेंगे और आधुनिक होती भारतीय सेना की क्षमता का भी प्रदर्शन करेंगे।
दिल्ली के विजय चौक पर आज शाम शास्त्रीय धुन के साथ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन होगा। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। समारोह देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का भी गवाह बनेगा। दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए इस ड्रोन शो में 3,500 स्वदेशी ड्रोन शामिल होंगे। शानदार ड्रोन शो राजसेना पहाड़ियों पर शाम के आसमान को रोशन करेगा। ये ड्रोन सहज तालमेल के माध्यम से राष्ट्रीय आकृतियों के असंख्य रूपों को बुनेंगे। ये ड्रोन शो स्टार्टअप इकोसिस्टम की सफलता और देश के युवाओं के तकनीकी कौशल को दिखाएगा। बीटिंग रिट्रीट समारोह 2023 के दौरान नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के अगले हिस्सों पर पहली बार 3D एनामॉर्फिक प्रोजेक्शन होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन मेसर्स बॉटल लैब्स डायनेमिक्स द्वारा किया जाएगा। मनीष मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, इस बार का बीटिंग द रिट्रीट कैसे होगा खास? देखिए विशाल, पिछले कई दिनों से तैयारी हो रही है और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ड्रोन्स है, जो पिछले बार भी दिखाए गए थे, भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश है जो इस तरीके की टेक्नोलॉजी जिसमें हजारों की संख्या में ड्रोन्स एक साथ प्रदर्शित किए जाते हैं और बहुत ही कंट्रोल वे में विद लेजर शो के साथ यहाँ पर शो होने वाला है। और इसके साथ ही आपको बताएं कि यहाँ 29 तरीके के बैंड बजाए जाएंगे जिसमें जो शुरुआत होगी अग्निवीर बैंड से, क्योंकि अगर आप देखें तो अग्निवीर अब हमारे भारतीय फोर्सेस के हिस्सा होने लगे हैं। 26 जनवरी के दिन भी अग्निवीर का प्रदर्शन किया गया था, तो ये बहुत खास होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का दोनों साइड है उसके ऊपर जो महापुरुष हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, या देश के जो अहम डेवलपमेंट हुए हैं उस के ऊपर भी एक बहुत ही फोकस शो होने वाला है। तो बिल्कुल इंतजार हम सभी को आज शाम का, क्योंकि तैयारियां बहुत खास की गई हैं। 3,500 ड्रोन के जरिए ये शो आयोजित किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ था। भारत का शानदार उसमें प्रदर्शन भी था। 8 विकेट से मैच जीतकर भारतीय टीम ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। न्यूजीलैंड टीम ने सिर्फ 107 रन ही बनाए थे। 14 ओवर के भीतर ही भारतीय टीम ने मैच जीत लिया। भारत और इंग्लैंड की महिला अंडर 19 टीमों के बीच में फाइनल मुकाबला 29 जनवरी यानी कि रविवार को खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईरान की धरती शनिवार की रात को भूकंप के तेज झटकों से कांप उठी। उत्तर पश्चिमी ईरान के खोए शहर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.9 दर्ज की गई। भूकंप में अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है जबकि 440 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। 5.9 तीव्रता का यह भूकंप। उत्तर पश्चिम ईरान में भूकंप के ये तेज झटके 5.9 तीव्रता के बाद कुछ इस तरीके के तबाही के मंजर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त जहां 7 लोगों की मौत हो चुकी है तो वहीं 400 से ज्यादा लोग इस भूकंप से जो तबाही मची है इस हादसे का शिकार हुए हैं। भूकंप की वजह से ईरान दहला और उसकी ये तस्वीरें। उत्तर पश्चिम ईरान का ये इलाका है जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो इलाका भूकंप से दहल गया। 5.9 की तीव्रता का ये भूकंप। 7 लोगों के मारे जाने की जानकारी है। 440 लोग इसमें घायल हुए हैं। जिस वक्त ये भूकंप आया उसके बाद स्थिति क्या थी उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई जगह पर इमारत जो है वो जमींदोज हुई है। कई जगहों पर इमारत के हिस्से टूट कर गिरते हुए भी नजर आते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।